स्टार की पसंद जो एक टैगलाइन है मयूर स्टार्स की पसंद, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फील होता है कि खुद को भी फील होता है कि यार तो ठीक है। आई थिंक जैसे पता है कि 3 डिकेड्स हो चुके हैं और जैसे शाहरुख साहब ने किया इसको, फिर सलमान साहब और सहवाग, तो जब मुझे बताया गया कि इस तरह का वो है तो डेफिनेटली मुझे एक एक इस चीज़ की भी खुशी हुई कि कितना टाइम बहुत चेंज हो गया है। जैसे फिल्म मेकिंग का सिनेमा का टाइम चेंज हो रहा है, ऐसे ही हर फिल्म में एक चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। उस चीज़ को लेकर बहुत खुशी होती है कि चॉइस और चेंज की वजह से चॉइसेस जो बढ़ रही हैं, अलग अलग चॉइसेस जो आ रही हैं, उसकी वजह से बहुत खुशी हुई और मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं मयूर शूटिंग से जुड़ के एक प्राउड फील होता है कि हाँ कि जो लिगेसी इन्होंने कायम रखी है पिछले 30 सालों से और वो आगे भी इसी तरीके से कायम रहे। और जो प्रदीप सरकार, उनके साथ मेरा पहले से फिल्म करने का ड्रीम था, तो और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट उनके साथ करने का मौका मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और डेफिनेटली मैं तो यही दुआ करता हूँ कि जो 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 लिगेसी कायम रखी वो आगे भी ऐसी रहेगी मयूर शूटिंग। तो डेफिनेटली ऐसे टैलेंट को और ऐसी चीज़ को चॉइस करते हैं जो जो एक मास लेवल पे उन लोगों को पसंद किया जाता है और अपकमिंग टैलेंट होता है, तो इस चीज़ को लेकर बहुत खुशी हुई। मैंने जब अपनी लाइफ में बचपन से देखा कि पहला जो था शाहरुख साहब का था, उसके बाद सलमान साहब का था, तो अचानक से जब मयूर पड़ता है आपके ऊपर तो ऐसा लगता है कि यार जो शाहरुख सलमान करते थे तो अब आप कर रहे हैं इसको, तो एक वो तो फैक्टर है, वो फैक्टर तो है। मेरा सवाल है कि पहले बोलते थे जैसे सलमान मयूर खान या शाहरुख मयूर खान, एक बार आपसे भी सुनना चाहेंगे जो नाम आपका दिया गया इस साइड, नवाजुद्दीन मयूर सिद्दीकी। ये चेंज हुआ है जिस पल आपको ये अप्रोच किया गया था, तो आपके जहन में था कि कुछ ऐसी लाइन भी मुझे भी दी जाएगी क्योंकि ये इनका ट्रेंड रहा है? नहीं, वो ऑलरेडी उनका खुद का टैगलाइन है, जो जैसे शाहरुख मयूर खान वो बीच में मयूर आता है, वो एक मार्क है, ट्रेडमार्क। मेरे जहन में पहले से ऐसा कुछ है, ये तो डिपेंड करता है कि आपके ये अरुण साहब के ऊपर कौन डिपेंड करती है। But come on now, you have done true colors. There are so many ads that lined up with you. There are so many movies that have been lined up with you. So you have been tough competition to Khans also and Bollywood actors. Competition किसी से नहीं, मेरा तो मुझे लगता है सबसे बड़ा competition मेरे तो खुद से ही मुझसे है, क्योंकि जब भी कोई नया कुछ प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको डायरेक्टर या वो प्रोजेक्ट जो लेके आते हैं वो किस लेवल पे उसको सोच रहे हैं, उस लेवल तक पहुंचने का जो एक जद्दोजहद होती है, आई थिंक वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। मैं कर पाऊंगा वो या नहीं कर पाऊंगा, आई थिंक वो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। नवाजुद्दीन भाई, मेरे अपने में नवाजुद्दीन का क्या काम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोगों ने कोई अपना आंगना नहीं बना रखा है, वो तो वेलकम करते हैं इस चीज़ को कि अगर जब भी कोई नई चीज़ आती है, नया टैलेंट आता है, नए कोई बात आती है, तो वो ऑलरेडी वेलकम करते हैं उस चीज़ को, वो बहुत बड़ा दिल होगा। नवाजुद्दीन भाई, दूसरा सवाल मेरा आपसे है कि आपके एक्टिंग की पूरे हिंदी सिनेमा के दर्शक कायल है और कहते हैं कि केवल कदम ही नहीं, जब आप एक्टिंग करते हो तो केवल कदम ही नहीं सांसें भी थम जाती है, कैसे कर लेते हो आप? ये तो मुझे भी पता नहीं कैसे कर लेता हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, डिस्कवर कर रहा हूँ कि कैसे हो जाता है।
मुझे तो लगता है कि मैं जब भी कुछ करके आता हूँ बहुत सारी गलतियाँ नज़र आती हैं उसमें कि यार ये कुछ ऐसा होना चाहिए था वैसे कुछ जैसे हर चीज़ में नज़र आता है कुछ परफेक्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया जो जो सोचा था वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया अभी तो वो मुझे मालूम होती है शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होती लेकिन मुझे ज़रूर मालूम होती है सर कोई हिडन फार्मूला नहीं है ना उसके कोई हिडन फार्मूला सर फॉर्मूला तो कुछ नहीं होता है पुड़िया पुड़िया तो होती नहीं कि भाई लो और गए बहुत बड़े बहुत अच्छा काम हो गया आज जैसे जुड़ना मैंने कहा कि अभी लेकिन एक्सपेक्टिंग डबल द सेल्स क्या लगता है रिस्पांसिबिलिटी कितनी बड़ी है बिकॉज़ एक्चुअली शाहरुख खान ने जब आपने ये जो कैरी किया है इसका रिस्पांसिबिलिटी भी है ऑफकोर्स एक बड़े ब्रांड से जुड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मुझे लगता है कि वो इतना खूबसूरत ऐड बनाया है और उतना इंटरटेनिंग है और एट द सेम टाइम वो उस स्टैंडर्ड को भी मेंटेन किया है तो मेरी जो मुझे जो करने के लिए दिया गया था मैंने कोशिश की अब लेट्स सी देखते हैं क्या होता है कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी हर ख्वाहिश से दम निकले ऐसा होता है तो ख्वाहिशें तो ख्वाहिशों का कोई एंड तो होता नहीं वो तो एक पूरी हो जाए फिर दूसरी बना लेते हैं आपको कि ये भी हो जाए ये भी कर लो वो भी कर लो एक्चुअली जो कर रहे हैं वो परफेक्ट होना चाहिए बाकी तो खुद आपके रास्ते में आते चल जाते हैं या मिस्टर रिजू चलने वाला